2019 के महासमर का आखिरी दौर चल रहा है और आखिरी दौर में पहुंचकर विपक्ष को यह आभास भी हो गया है कि उनकी सरकार बनने का कोई चांस नहीं है। लिहाजा विपक्ष के कथित बयानवीर अब मैदान में कूद पड़े हैं अपने भटकाव भरे बयान लेकर। पहले मणिशंकर अय्यर आए अपनी नीच वाली भविष्यवाणी के साथ और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक और भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने पटना में ये कहा है कि चुनाव के बाद केंद्र में नीतीश कुमार सरीखे नेताओं की मदद से गैर बीजेपी सरकार बन सकती है। गुलाम नबी आजाद ने इशारों में ये बता दिया कि उनकी पार्टी बहुमत से दूर रहने वाली है, लेकिन एनडीए के अलायंस को तोड़ने के लिए उन्होंने नीतीश के नाम का सहारा लिया तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वैसे भी जेडीयू ने राम मंदिर और जम्मू कश्मीर पर अपनी पार्टी की अलग राय को कई मौकों पर जाहिर किया है। साथ ही एनडीए के साथ नीतीश ने इस बार चुनाव तो लड़ा है, लेकिन उनकी पार्टी ने अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। खैर, गुलाम नबी आजाद के इस बयान से कांग्रेस की सरकार बनाने की कुलबुलाहट साफ जाहिर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।